इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन, इतिहास की अवंतिका और आज की उज्जैनी, एक शहर जिसका बीता कल सुनहरा इतिहास लिए है। शिप्रा के शांत किनारों पर सांस लेती ये नगरी उज्जैनी सुबह शाम आस्था की डुबकी लगाती है। माना जाता है कि उज्जैन नगरी 2000 साल पुरानी है। इस शहर का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि प्राचीन काल में उज्जैन मुख्य व्यवसायिक मार्ग पर स्थित था। शिव की भक्ति और शक्ति में लीन ये वो शहर है जहां सिर्फ महाकाल का राज चलता है। संत कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की तारीफ की है। सन 1235 में इल्तुमिश ने इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इल्तुमिश के शासनकाल के बाद यहां के सभी राजाओं ने इस मंदिर के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया, जिस कारण आप आज ये प्राचीन मंदिर देख पा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर स्थित माँ गढ़काली मंदिर प्राचीन उज्जैनी की गवाह है। माना जाता है कि तांत्रिकों की देवी काली के इस मंदिर की स्थापना पहली शताब्दी में हुई थी। गढ़ नाम के स्थान पर होने की वजह से इस देवालय का नाम गढ़कालिका पड़ गया। प्राचीन भारत के महान राजा विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन राजधानी हुआ करता था। सुप्रसिद्ध कहानी विक्रम और बेताल तो आपने जरूर सुनी होगी। जी हाँ, ये वही राजा विक्रम है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत काल की शुरुआत की थी। मुगल काल के पतन के बाद उज्जैन में सिंधिया राज शुरू हुआ, जिसका प्रतीक माना जाता है कालियादेह पैलेस को। स्थानीय कहानियों के मुताबिक इस पैलेस का नाम कालियादेह इसलिए पड़ा क्योंकि इसे देख ऐसा लगता है जैसे ये कालिया नाग के फन पर स्थित है। पिंडारियों के इस महल को ध्वस्त करने के बाद 1920 में ग्वालियर के राजा माधवराव सिंधिया ने इस पैलेस को फिर बहाल किया। दिल्ली का मशहूर जंतर मंतर तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी उज्जैन में स्थित वैधशाला को देखा है? राजा सवाई जय सिंह ने सन 1733 ईस्वी में यहाँ जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर का अर्थ है यंत्र और मंतर का अर्थ है गणना। इन यंत्रों की मरम्मत सन 1925 में महाराज माधवराव ने कराई थी। इस प्राचीन नगर में स्थित मंगलनाथ मंदिर में होता है मंगल दोष का निवारण। सिर्फ यही नहीं, यहाँ स्थित कालभैरव मंदिर में भगवान शिव का अलग ही रूप दिखाई पड़ता है। कालभैरव की प्रतिमा यहाँ मदिरापान भी करती है। आज उज्जैन एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है। हर महीने देश भर से यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं उस जगह को देखने, जहाँ देश के इतिहास ने कई करवटें ली थी।